नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कालू बथान ओपी अंतर्गत शुक्रवार के देर शाम एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी के नेतृत्व में कोथारडी स्थित सीएमआर भट्टा में छापेमारी कर करीब 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। साथ ही भट्टा में 5 अवैध कोयला लदाक ट्रक भी जब्त किया गया। इस दौरान उनके साथ निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार भी मौजूद थे। एसडीएम प्रेम तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भट्टा मालिक अमन सिंह द्वारा गुपचुप तरीके से अवैध कोयले का कारोबार किया जा रहा था। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। जब्त कोयले को कालू बथान पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस कागजात की जांच कर रही है। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व में भी उक्त भट्टे में छापेमारी हुई थी। भट्टा संचालक अमन सिंह समेत अन्य पर कोयला चोरी का मामला दर्ज किया गया है।